अजय भाई जय दादा गुरु। जय गुरु अगेन वंदे लोक तिलक प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण अनंत कोटि प्रणाम जगत जननी श्री श्री बड़मा युगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित गुरुजन श्रेणी कर्मी मंडली गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली तथा उपस्थित अनन्य गुरुजन गण एवं सम्मानीय विजय दादा समस्त मोर प्रणाम जय गुरु। चाहूं चाहूं नरसिंहपुर सत्संग आज 910 दिन रे पदार्पण करिछि। एही सत्संग रे एक विशेषत्व हला श्री श्री ठाकुरंकर अमीय दर्शनर जो महान गुण राजगुड़िक प्रस्तर फर्द फर्द हुई लुकायित अवस्था रे थिला बहुल भाव रे मनीष पाखरे ता आदृत हेई पारु नथिला मनीष पाखरे पहुंची पारु नथिला अनेक अमीय दर्शन श्री श्री ठाकुरंकर जीवन रो लीला प्रसंग एवं श्री श्री ठाकुरंकर विशेषत्व ए जुग पाई केते प्रमाण सिद्ध ताहा आम पाखरे सदा सर्वदा प्रवाहित हेउछि। एही अमीय फल्गुर धारा वास्तवरे श्री श्री ठाकुरंकर समस्त विषयक कथा एक भस्म जलराशि प्राण संचार करे। मनीषर गोटे नकारात्मक चिंताधारा उपरे अतीब अतंद्र प्रहार दिए एक सकारात्मक संघात हुए। गोटे दिगरे मनीष भितरे जो पशुत्व बा पाशविकता समाज रे रहिछि आउ गोटे दिगरे देवत्व मध्य रहिछि। ए प्रकार गोटे संघातरु आसे बिवर्तन। बिवर्तन बादी माने कहंती स्थूल बिवर्तन मध्य आसे संघातरु। टिके टिके लांज कटि मनीषरे रूपांतरित हेला भली मनीषर टिके टिके विकृति परिशोधन होई एक शुद्ध मनीष दिगरे धावमान हेबाकु हेले जेउ इंपल्स बस जेउ प्रेरणा बा संवेग दरकार ताहा पुरुषतमक संवेग ठारु अतिक्रम करी आउ कौनसी संवेग सेते मार्मिक हुए सेते आवेदन रखेनी मनीष हृदय हृदय परिवर्तन नहला पर्यंत मनीषर बौद्धिक परिवर्तन बा मनीषर मानसिक परिवर्तन रे वास्तव बिवर्तन हुए जेतिके बेले विश्वरे कौनसी बिवर्तन होइछि ताहा अभ्यंतरीण बिवर्तन होइछि। बाह्य बिवर्तन बाह्य परिप्रकाश रे जेउ परिवर्तन हुए ताहा आगकु बा उपरकु अत्यंत चिक्कण चहट देखा गले मध्य भितरे ताहार वास्तव रूपरेख परिप्रकाश हुए ना। सेथिपाई आज विकासर धारा एक सामाजिक आंदोलन जो रूप नहीं चारिआड़े ता स्थूलतः बाह्य दृष्टि प्रकाश योग्य हेले मध्य अभ्यंतरीण बिवर्तन ताहा हेबा पाई आहुरी अनेक बाकी रही। गुणसूत्रर बिवर्तन हेउ बा मनीषर चिंता चेतनार बिवर्तन हेउ बा मनीषर ए शैक्षिक आंदोलन बिवर्तन जेतिके बेले कौनसी बिवर्तन रही ता सहित मनीषर लाइफ जड़ित रही ग्रोथ जड़ित रही एथिक्स रही तार कीलकेंद्र रे जड़े अतीब महान परिपूर्णकारी पुरुषोत्तम रही। अतएव शिक्षार धारा पुरुषोत्तम को केन्द्र करी देवीप्य मान हो उठे पुरुषोत्तम को केन्द्र करी तार औजल्य छिटा समस्ते पाई आनंदित हुंती। वैदिक छंदरे मेघ मंद्र रे
ए भारतीय दर्शन रे जेउ गुरु परंपरार महिमान्वित आकर्षण रही थिला ता धीरे धीरे जतेकि बेले भांगिबाकु बसिछि से समय रे लोकशिक्षक भावरे पुरुषोत्तमंकर आविर्भाव होइछि। पुरुषोत्तम हेले लोकशिक्षक, पुरुषोत्तम हेले शिक्षार जीवंत ज्वलंत प्रतिमूर्ति। तांक बिना कौनसी प्रकार शिक्षा अभ्रांत हेपरिब ना। मनीषर बुद्धिमतारु जो शिक्षा मनीष पाए ताहा कौनसी कालखंड को बहुदिन धरी परिचालित करिपरिब ना। हुए तो सही समसामयिक बा सही क्षणस्थायी गोटे आवेदन रखिपे मनीषर भौतिक उन्नति पाए, मनीषर आभ्यंतरण उन्नति पाए। काल काल धरी नीति और नैतिकतार गोटे औजुल्य सृष्टि करिपरिब ना पुरुषोत्तम व्यतीत। से तो बारंबार कहवाकू पड़ा प्रभु श्रीकृष्ण को कहवाकू पड़ा तद्धिति प्रणी पाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्ष ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न पाखे नति स्वीकार करने को पड़ो सेवा देवा पड़ो सरेंडर होगा पड़ो नचे शिक्षा तापर परिप्रश्न करी सेवा करी ठारु ज्ञान प्राप्ति होगा हम आउसी मध्यम कौन सी मीडियम आजिकल जो प्रकार फोर जी फाइव जी जुगरे इंटरनेट जुगरे आखि पलक जो सब तथ्य व सूचना आम प्राप्त हेउछे ताहा केबे गुरु ही परिबे ना। से प्रकार तथ्य और चिंता केवल मनुष्य को केते गुड़िए इनफॉर्मेशन बा सूचना प्रदान करिबो सिना मनुष्यर वास्तव चारित्रिक उन्नति रे कौनसी सहायक हेबो नाही। एहा बारंबार प्रतिनियत घटी चलुछि। विज्ञ प्राज्ञ समाज रे जो बुद्धिमत्तार आंदोलन चलीछि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी रे जो प्रकार नूतन उद्भावन आविष्कार समूह आमुक एक स्थूल जगत को टाणी ने सत जमी ऑक्टोपस रा पंजा भितर मनीषर आज जेनेटिक डिटोरेसन हो चली से प्रकार शिक्षा को नहीं कौन सी सभ्यता बहुदिन धरी तिष्ठी पारिब ना। से भारत धर्म थिला तार शिक्षार मेरुदंड निजर व अन्य कहार धर्म संबंध रे कौनसी मत को भारतीय माने धर्म बोली कहू नथिले। समस्त सत्य समूह को लोक सम्मुखरे उपस्थापन करिवा पाई जो महापुरुष माने आसी थिले से माने जने जने आदर्श भाव से बेले जनमानस को प्रभावित करुथिले। तांकर दर्शन मनीष भितरे एक शिक्षार बत्ती जलाउथिला। श्री रामचंद्र श्रीकृष्ण वर्तमान श्री श्री ठाकुर ए पर्यंत जो शक्ति पुंज शक्ति आलोकर वर्तिका सत जेपरी मनीष पाखरे औजुल्य हो उठुची से सत्यर उपलब्धि मनीष कौन सी सूत्र रु प्राप्त हेबा असंभव। तेणु भारतर शिक्षा पद्धति एवं भारतर शैक्षिक क्षेत्र आज नुहे अत्यंत प्राचीन। जदि आम उपनिषद जुग को जीवा से बेले जदि देखा प्रश्न उपनिषद जने गोटे रही अनेक उपनिषद रही कि 108 टी उपनिषद अच्छी बोली अनेक कहते किंतु विशेष भाव प्रमाणित प्रामाणिक उपनिषद संख्या हूँ 11। से भितर गोटे उपनिषद है प्रश्न उपनिषद अथर्व वेदीय उपनिषद। उपनिषद रे पिपलादि संहिता रे ब्राह्मण ग्रंथर गोटे अंश ताला प्रश्न उपनिषद। ए उपनिषद रे पिपलाद नामक जने ऋषि ऋषि को भरद्वाजंक पुत्र सुकेश शिविंक पुत्र सत्यकाम कोशलवासी आश्वलायन विदर्भवासी भार्गव कात्यायन और कबंधी नामक छह जन जिज्ञासु शिष्य से आसी प्रश्न पचारुछन्ती।
प्रश्न पचारिबा पूर्वरु जदि देखिबा सेमाने संविधादि अनेक वस्तु द्रव्य नै आसी गुरुंक पाख गुरु हेले पिपलाद एई छ जन शिष्य अनेक मन भितरे अनेक जिज्ञासु मन नै तद्धिति प्रणिपातन परि प्रश्नेन सेवया तांको प्रणिपात करी तांको संविधादि द्रव्य तांको उपहार देई तांको निकटरे चरण तले बसी गोटिए परे गोटिए प्रश्न पचारुछन् आत्मा परमात्मा सृष्टि रहस्यर विषय एई भावरे अनेक जो प्रश्न पचारिछन्ति एवं उत्तर प्राप्त होइछन्ति ताहाला प्रश्न पुनिष मंत्र संख्या 67 प्रजाक उत्पत्ति प्राण प्राणी विद्या देहर जाग्रत सुप्त सुस्मृति अवस्था ओंकार उपासना षोहल कलाजुक्त पुरुष इत्यादि विषय को प्रश्नोत्तर कार्य प्रश्नोत्तर हमें देखा मिले प्रश्न पुनिष अर्थात भारतर यही शैक्षिक धारा अत्यंत प्राचीन और सुनिर्दिष्ट से धारा टू टिके विच्युति हेले शिक्षार मानदंड मध्य भुशुड़ी पड़े शिक्षार मेरुदंड टी भांगी जहां आजिकल जो शिक्षा गुरु कैंद्रिक थिला से शिक्षा आज शिष्य कैंद्रिक हो जाको एक विधिवत भाव आईनी करी शैक्षिक वातावरण को ओल्टे दि जाए कवर्तन किंतु बिवर्तन अर्थात नुहे जेकोसी परिवर्तन रे मनीष जहा किसी तापे कि बिवर्तन धाराटी हूँ मनीषर अंतर्निहित विकास मनीषर अंतर्निहित डेवलपमेंट बा तार ग्रोथ तेणु से मनीषर जो वृद्धि अंतर्निहित वृद्धि से वृद्धि सहित यदि किलकेन्द्र न था ऋषि आचार्य व गुरु ताले शिक्षार मानदंड निश्चय भुशुड़ी पड़ो जहा आजिकल देखु जहा घटु प्रतिनियत कहवा उचित नुहे जदि आम देखा उपनिषद एवं दुई महाकाव्य रामायण महाभारत रु आम देखा जे गुरुकूल एवं आश्रम विद्यालय संपर्क में बहु तथ्य रही प्रतिष्ठान सब कु परिचालना किए करुथिले जो माने करुथिले से माने जने जने वैज्ञानिक थे बा ऋषि थिले बा सियर थिले द्रष्टा पुरुष थिले से माने एपरी अचानक भाव सत्य को उपलब्धि करि नथिले बहु तर्न तर्न करी पर्यवेक्षण करी बहु दिन धरी गवेषणा करी गोटिए गोटिए सत्य प्राप्त होथिले एवं से सत्य को लोक सम्मुखरे बा शिष्य सम्मुखरे उपस्थापित होता तेणु अनुभूति रु जो ज्ञान हुए अनुभूति रु जो तथ्य बा सत्य सत्य मिले ताहा ही लोक सम्मुखरे ताहा पुनर्बार पुनः पुनः ताहा गवेषणा पाई उपलब्ध होता एवं जीवन रे ताहा देखे कि शिष्य माने प्रमाण करुथिले जे एटा हूँ गोटे सत्य बा गोटे ल यूनिवर्सल लॉ भली सार्वजनीन भावरे ये सत्य टी उपस्थापित होता साधारणतः लोकालय ठारू दूर रे अरण्य पर्वत सन्निकट तथा नदी बा सरोवर कूल रे गुरुकूल मान प्रतिष्ठित थिला राजकुमार ठू साधारण गरीब संतान पर्यंत ये सब प्रतिष्ठान रे एकत्र रही निज निजर शक्ति स्वभाव अनुसार विद्या अर्जन करि परुथिले जहां आम महाभारत देखिबा बा रामायण रे मध्य देखि परबा उपनिषद रे भी अनेक रहिछे ए प्रकार कहानी घटना इतिहास रो कौनसे एक पर्याय रे जाति प्रथार घोर अवनति देखा देला किंतु प्रथम पर्याय रे शिक्षार पटभूमि थिला आचार्य कैंद्रिक ऋषि कैंद्रिक ब्राह्मण संतान प्रथम रु वेदाध्ययन करुथिला क्षत्रिय संतान बळे बळे राजनीति बा अस्त्र विद्या शिक्षा लाभ करुथिला वैश्य परंपरारु ही व्यवसाय वाणिज्य संपर्कित ज्ञान हासिल करुथिला शूद्र संतान होता कृषि विद्यार धुरंधर समस्त प्रति जनपद आध्यात्मिक शिक्षार सुजोग रही कर्मरे उच्च नीच भाव प्रश्न नथिला एहा मूल भीति वर्णाश्रम भीतिक शिक्षा पद्धति भारत प्राचीन शिक्षा पद्धति संपूर्ण वर्णाश्रम भीतिक शिक्षा पद्धति आधारित गुरुकूल मानकर शिष्य को ऋषि
तार स्वधर्म संपर्क रे सचेतन कर देउथिले। भारतीय शिक्षा दर्शन रहा अनन्य विशेषत्व। गुरु निजर गभीर अंतर्बोध बा मनस्तात्विक ज्ञान साहाज्य रे प्रथमे निज विद्यार्थी सर्वत विकास पाई केउ मार्ग रे होई पारिबो ताहा निरूपण करी तदनुसारे शिक्षा देउथिले। सामूहिक शिक्षा दान अपेक्षा व्यक्तिगत भाव रे प्रत्येक विद्यार्थी उपरे ध्यान दिया जाउथिला। वन टू वन रिलेशन थिला। कौनसी एक शिष्य तार जीवन समस्त लुकायत कथा गोपनीय कथा शिष्य आगे से बखाणी पारुथिला कही पारुथिला। मनीषर व्यक्तित्व अंश थिला तार अंतरात्मा। योग्य छात्र को ए ज्ञान दिया जाउथिला। प्रत्येक छात्र को समान भाव शिक्षा दिया जाउ नथिला किंतु संसार कौन सी विषय बा समस्या असार बोली मध्य धरी दिया जाउ नथिला। जे कौनसी एक धारणा बा समस्या आसिले गुरु तहार वास्तव समाधान देउथिले। संसार विमुख हो जड़े सन्यास नहीं पारे किंतु गुरुकूल रे सन्यासवाद शिक्षा दिया जाउ नथिला। समस्ते जे सन्यास हो जिवे से शिक्षा दिया जाउ नथिला। स्थूल विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान गुरुकूल रे उभय धारार समन्वय साधन होइथिला। दुईटी दिग रही शिक्षार धारे गोटी हेला ज्ञान लाभ से ज्ञान दुईटी दिगरे थिला अपरा ज्ञान पराज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान स्थूल जगतर ज्ञान। स्थूल जगतर ज्ञान को नहीं जड़े मनीष बंचिबो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं तार स्व साधना करी तार जीवन को आउरी इष्टमय करी साधनारत रही तार चारित्रिक उन्नति घटेबो। दुई दिगरे थिला गछटी जेपरी दुई दिगरे बढ़े बीजटी जेपरी दुई दिगरे बढ़े मनीष सेपरी दुई दिगरे बढ़िवार गोटे शैक्षिक वातावरण सेठारे थिला। वर्तमान जदि देखिबा वर्तमान केवल गोटे दिगरे धावमान हेउची शिक्षा व्यवस्था केवल जेणे तेणे प्रकार एक सर्टिफिकेट हासिल योग्यता बा क्वालिफिकेशन ए जो बाह्य आडंबर युक्त क्वालिफिकेशन रोटे मापदंड शिक्षार व्यवस्था। शास्त्र ज्ञान जने विपुल पांडित्य अधिकारी हेले से जदि व्यवहारिक विद्या बा साधारण ज्ञान बा नम्रता दिगरु यथार्थ भाव विकास प्राप्त हो नथिबो तेबे तार शिक्षा पूर्णांग नुहे बोली मन करा जाउथला। एहा एक चमत्कार दृष्टिपात आम देखि परबा आरुणी उपख्यान जहां श्री श्री ठाकुर कहते गुरु धौम्य आश्रम अंतवासी थिले आरुणी से सब शास्त्र रे पारंगमता हासिल करथिले। अन्य मानकु विद्या दान करने को भी सक्षम थिले किंतु गुरु तथापि तांकु विदाय देउ नथिले कन्वोकेशन हेउ नथिला तांकु ताहा अंतवा अन्य मानक माई मध्ये गोटे विस्मय थिला जे आरुणी तो सब विषय रे पारंगम सब विद्यार तो धुरंधर से तो अन्य पिला को मध्ये पाठ पढ़ाया पई वर्तमान योग्य किन्तु तांकु गुरु छाड़ू ना कहीं आश्रम रखी कहीं पाठरे हुए तो पोथीगत विद्यार शास्त्र विद्यार से धुरंधर हो सारी आरुणी किंतु ता भीतर किछिटा व्यवहारिक ज्ञान अभाव रही युद्ध क्षेत्र को श्री श्री ठाकुर से भली कहते तुम मानक युद्ध क्षेत्र को से भली छाड़ी दे कि बसी पारे ना समस्त अस्त्र शस्त्र दे पारंगम कर अस्त्र परिचालनार विद्या यदि तुम न शिखिकी युद्ध क्षेत्र को जीव ताहले सेठारे तुमको परास्त हेबाकु पड़िबो। सेइ भली पुरा कालरे गुरु मानंकर शिक्षादानर व्यवस्था मध्य सेइ थिला। दिने रातिरे प्रबल हेला वर्षा अरण्यर अन्य प्रांतरे आश्रमर एक शस्य क्षेत्र थिला ताहीकु लागि रहिथिला गोटे सरोवर। सरोवर उच्छुली क्षेत्रकु पाणीरे शस्य नष्ट करि देबाकु जाउथिला। सेही अवस्था पर्यवेक्षण करिबा उचित बोली गुरु कही सांगे सांगे आरुणी को कहिले। आरुणी बाहरी गले किंतु आरुणी को प्रत्यावर्तन रे विलंब हेला। शेष राति बेलकु वर्षा भी छाड़ी गला। आरुणी रो संधान रे जाई गुरु शिष्य देखिले जे सरोवर क्षेत्र भितर थिबा बंधरे सोई चेता हराइछन। बुझिला बेलकु बंधरे सामान्य फाट होई पानी क्षेत्र भितर को आसुथिला। मुठा मुठा कादुओ पके से फाट बंद करियाकु सक्षम न हेबारु आरुणी निजे सोई पड़ी ताकु रोकिथिले। प्रचंड प्रचंड थंडारे चेता हराई बसिथिले। सेदिन गुरु तांकु कहिथिले जे वर्तमान तुमर विद्या लाभ संपूर्ण तुमे जाई स्वयं शिक्षा दान करिबाकु हक्ता।
तेणु जी शिक्षा दान कर जी शिक्षक सी जी स्वयं संपूर्ण नईथे कौटी जो खटकाटा थी तर जो फांकटा थी से फांकटा मध्य पर मुहूर्त जहाँ को शिक्षा दान कर संचारित गोटे से ठाकुर कहते टीचर इज द क्रिस्टल कोर फॉर द स्टूडेंट सी है शिक्षार मूल केन्द्र भितर फांक अन्य मानको संचारित हो जाए जहा आरुणी पाखरे थिला आरुणी पाखरे ज्ञानबोधर अभाव नथिला किंतु ता भितरे जो व्यवहारिक ज्ञानर फांकटी थिला ता पूर्ण हेला परे ता परे गुरु जाई तांको कहिले तुम्हें वर्तमान शिक्षा दान करि पाइबो ए प्रकार शिक्षा व्यवस्था थिला विपुल तात्विकर अधिकारी मध्य थिले आरुणी शारीरिक श्रम पाई किंतु कुंठित नथिले ज्ञान सह तांको चरित्र रे नम्रतर दृष्टांत ए प्रकार जहा पूर्णांग विद्यार्जन से परिचय रखी थे प्राचीन भारतीय समाज परिवार सबुठ प्राचीन भारतीय समाज परिवार थिला धर्मनिष्ठ परिवार परिवार परिचालना करिबा निमन्ते नारी मानक पाखरे शिक्षार आवश्यकता मध्य थिला से शिक्षा नथिला गोटे चाकरी मुख्यता शिक्षा से शिक्षा नथिला पुरुष मानक ठारे पाखु समकक्ष हेबार शिक्षा से शिक्षा नथिला पुरुष भली वेश पोशाक पिंधि पुरुष भली पुरुष जहा पढ़ मुहा पढ़ी जोर जबरदस्त ए प्रकार गोटे वैशिष्ट्य हरा शिक्षा नथिला सेठारे सेठारे नारी मानकर शिक्षा थिला से मानकर ए घर शिक्षा घर टी किपर उन्नतशाली करहब घर टी कि परिवार टी किपर उन्नतशाली करहब शिशुटी को किपर मजबूत कर जन्म दि जा पार शिशुटी को किपर तार प्राण से समस्त गुण राजि भरी ताको एक ठिया कर दि जा पार मनीष भाव ए प्रकार शिक्षा नारी मान को दि जाऊला प्रत्येक जननी थिले कन्या मानकर शिक्षयित्री एहा भावप्रवण बिवृत नुहे तहार वास्तव प्रमाण भारत रे विदुषी नारी मानकर अभाव नथिला भारत रे अनेक विदुषी नारी थिले जदि सेमाने शिक्षा पाइ नथिले ताहले विदुषी नारी भारत रे आसिले केउठु तार कारण थिला भारत रे शिक्षा नारी मानकर शिक्षा पद्धति थिला परिवार केंद्रित गोटे परिवार गठन किपरि हेबो से प्रकार एक शिक्षा तांक भितरे खंजी दिया जाइतला प्रकृति प्रदात सहजात प्रज्ञा गोटे जीवन रे तीनोटी जीवन कन्या रूपे पत्नी रूपे जननी रूपे ए तीनोटी रूप रे से किपरि निज को ठीक करी एक उन्नत समाज गठन करी परिबो से प्रकार शिक्षा नारी मान को दिया जाउतला एया थिला वास्तव रूप रे खसेते बलर शिक्षा पद्धति आमे जदि देखिबा प्रकृति राज्य रे छत्रे छत्रे जदि देखिबा विभिन्न वैचित्र्यमय प्रकृतिर भिन्नता रही विभिन्न प्रकार जो भिन्नता रही तार कारण हेउछि भिन्न भिन्न वैशिष्ट्य रही क्षुद्र प्रदीपर शिखा तमसा को जिणीपे क्षुद्र बारिधराटी प्रबल स्रोतश्रेणी परिणत हुए क्षुद्र संगीतटी मनरे आणे पुलक क्षुद्र तरिणीटी अकात जल को लंघन करिपे छोट कूटी मधुर जल वर्ष मास जीवन को बंचाई रखे छोट शिशुटी मध्य सेपरी जातिर टेक रखे झकमकी पथर रे अग्निकणिका लुकायित थिला भली ज्ञानर अफुरंत भंडार शिशुर जैवी संस्थितिर भितरे लुकायित होइ रही थाए जो विशाल बटवृक्ष आज आम देखुचे विस्तीर्ण प्रांतर रे दंडायमान ताहा एकदा गोटे क्षुद्र सोरिष मंजिर अष्ट दशमांशरु मध्य अष्टमांशरु मध्य बड़ नथिला काम कमनार अनुरागरे डिम्बरे तर हुए मिलन से आकर्षण जन्म जीवन तिष्ठिताले चार जीवन ए क्षुद्र जाय गोठारु आरंभ हुए शिक्षा से शिक्षा अवशिष्ट जीवन लुकायित हो रही थाए मनीषर सहजात प्रवृत्ति भाव भिन्न भिन्न परिवेश रे भिन्न भिन्न अवस्था रे से सहजात गुण राजि गुड़िक मनीष पाखरे ए राष्ट्र पाखरे ए समाज पाखरे ताहा देखा दिए तेणु श्री श्री ठाकुर से यही शिक्षार धारा सुप्रजनन धारा ठारु आरंभ हेपाई विशेष भाव गुरुत्व प्रारोप करी राष्ट्र पूजार अर्घ्य जानव सुजनन सुसंतान जो ऐश्वर्य देशवासी सब आपदर पाती त्राण तेणु सुसंतान शिशु परिचर्यार विभिन्न प्रसंग श्री श्री ठाकुर आम पाखे उपस्थापन कले से शिशु परिचर्या ठारु ताहार शिक्षा टी आरंभ हम कौल बयस अभ्यास अवशिष्ट जीवन उपर गभीर छाप पकाए क
କଅଁଳ ମାଟି ଲୁହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ସମ୍ଭବ। ଆଜି କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯଦି କିଛି କାମ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାପା ମା ଆଗ ଅବଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ନା ନା ମୋ ପିଲାର ପାଠପଢା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋ ପିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ତାର ପରୀକ୍ଷାଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଯୋଗା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକୋ ମୋଟର କୋଡିନେସନ ହେବ ନାହିଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆରୁଣିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏତେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନଟିର କମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଟି ଯୋଉ କମ୍ ଥିଲା, ଗୁରୁ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ତାପରେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କନଭୋକେସନ କରେଇଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆଉ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମାର୍କ ଦିଗରେ କେବଳ ଆଗେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କରିବା ଦରକାର, ବାଲ୍ୟକାଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ କୌମାରାତ୍ ଆଚରେତ୍ ପ୍ରାଜ୍ଞଂ ଧର୍ମାନ୍ ଭାଗବତନ୍ୟହଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ମନୁଷ ଜନ୍ମଂ ତଦପି ଧ୍ରୁବଂ ଦର୍ଥମ୍। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ। ଏହି ମାନବ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ଓ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କିଏ ଜାଣେ ଅବା କେତେବେଳେ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଦିନ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏଥେନ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପାଠ ପଢେଇବେ। ଏକଦା ଜଣେ ମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆସି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ କେବେ ପଠେଇବି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ତାର ବୟସ କେତେ? ମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବାର ବୟସଟି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପୁରୁଣ ପ୍ରବଣ ଝୁଙ୍କ ଯେପରି ଆଣିବ ରପ୍ତ କରି ସେପରି ଜୀବନ ଝୁଙ୍କ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ରହିଛି, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ସାଇକୋ ମୋଟର କୋଡିନେସନ କରି ତାକୁ ନର୍ଚର ନ ଦିଆଯାଏ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେତେ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 5 ବର୍ଷରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଠପଢାଟିକୁ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଠିକ ଠିକ ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଦରଟି କଥାର ସମୟ ଠାରୁ କରି କରାଇ ଯାହା ଶିଖାଇବ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଖ୍ୟ ହେବ, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ପସ୍ତାଇବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ 5 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ନ ଶିଖେଇବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେଇବା, 5 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦିଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରେଇବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରେଇବା, ତାହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡିବ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ଆଜି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ନ କରି କିଛି ଖାଇଦେବାରୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ବେଶ ଠିକ ହେଇଛି, ସେ ପିଲାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାଟିର ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗେ, ଇଷ୍ଟ ରଙ୍ଗରେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ବାସ୍ତବରେ ତା ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା ତା ବଂଶ ଧାରାରୁ ଆସେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହେଲା ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଆସେ। ଯାହା ସେଦିନ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଦିନ ସହଜାତ ସଂସ୍କାରକୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୁସୋ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଫ୍ରୋଏବେଲ, ରବର୍ଟ, ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରୋଏବେଲ ଆଜି ଗୁଣର ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣରାଜିର କିପରି ବିକାଶ ହବ ସେ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରୋମରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ନାନା ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ରୁଚିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖି ପାଠ ପଢାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକା ରଷିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ନାମକ ସେଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୋମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ରୁଚିକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା। ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ସହଜାତ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ପାରିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ ମଣିଷ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ଯଦି ପାରିବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗତର ବିସ୍ମୟ ସହିତ ତ ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ, ତତ୍ ସହିତ ସମୟ ଦେଖି ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ, ଖରାରେ ଝଟକୁଥିବା ମହୁମାଛି, ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହସୁଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ସେଭଳି ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମେଣ୍ଢା ପଲରେ ମେଣ୍ଢା ହେଇବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ, ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟର ଚାଲୁଣିରେ ସିଏ ତଉଲୁ, ସେଥିରେ ଭଲଟିକୁ ସାଉଁଟି ନେଉ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗେହ୍ଲା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଆଁ ଖାଇଲେ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସୁନା ହେବ। ଶିଖାଇବ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ପାଖରେ ନିଜର ବଳବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇବ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବିବେକ ଆତ୍ମାକୁ ବଳି ନ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ ଚିଠି ସେଦିନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଲେଟର ଟୁ ଏ ଟିଚର, ଯାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ପୁଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲିଂ ନେଚର ବା ପରିପୂରଣକାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଝିଅମାନଙ୍କର ହେବ ସର୍ଭିସିଂ ନେଚର, ତାର ସେବା ପରିବେଶ, ସେବା ପରିପୂରଣୀ ଶିକ୍ଷା, କିପରି ସେ ପରିବେଶକୁ ସେବା ଦେବ, ସେ କିପରି ପରିବେଶକୁ ପରିପୂରଣ କରିବ, ତାହା ହେଲା ପୁରୁଷର ଶିକ୍ଷା। ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ହେଲା ସେ କିପରି ପରିବେଶକୁ ସେବା ଦେଇ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତ କରେଇବ। ତେଣୁ ପୁଅର ପିତୃତ୍ୱ ଦିଗରୁ, ଝିଅର ମାତୃତ୍ୱ ଦିଗରୁ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୂଳରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ମଣିଷ ତାପରେ ତାର ସହଜାତ ସଂସ୍କାରର ଶିକ୍ଷା ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ନାରୀର ନୀତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖିକି କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାହା କହିଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଉନା କାହିଁକି, ତାର ଭିତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ କଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ କିପରି ବରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସତୀତ୍ୱ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ସତୀତ୍ୱ ମଣିଷକୁ କିପରି ଗଢି ତୋଳେ, ସେବା କଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରି ଉନ୍ନତିକୁ କିପରି ଡାକି ଆଣି ହୁଏ, ପତିତ୍ୱକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ, ସନ୍ତାନକୁ କିପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଛିଡ଼ା ହବ, ସଞ୍ଚୟର ନିୟମ କଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣିବ, ନାରୀଟିଏ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ତାର ଶିକ୍ଷା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଶିକ୍ଷାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ତାର ଘର। ଏ ଘରର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ଯଦି ନାରୀଟି ନ ଶିଖେ, କେବଳ କିତାବଶାଳିନୀ ହୋଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଇଡିପସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯଦି ପୁଅଟି ତାର ନିଶା ମା ପ୍ରତି ନଥାଏ, ଝିଅଟି ତାର ନିଶା ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯଦି ବାପା ପ୍ରତି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଘଟିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶା କାରବାର ବି ବଢି ଚାଲିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ପୁଅର ନିଶା ମା ପ୍ରତି, ଝିଅର ନିଶା ବାପେ, ଏ ଧରଣର ପୁଅ ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଚାପେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଟି ପୁଅଟିଏ ମାଆକୁ ଅତୀବ ଭଲ ପାଇବ, ଝିଅଟି ତାର ବାପାକୁ ଅତୀବ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ଯେତେ ଦୋଷ କରନ୍ତୁ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ କରିଲେ ପାଳନ ପାଇବୁ ତୋର ବର୍ଦ୍ଧନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ପିତାମାତା ଠି ଅତୁଟ ଟାଣ, ପୂରଣ ପ୍ରବଣ ଝୁଙ୍କ, ସେଇ ପୁଅ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାନ ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ପୁଅ ଝିଅ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କରିଲେ ପଢାଶୁଣା, ପଢା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ କାମର ଉପାସନା, କାମ କଲବେଳେ ନ ପାଏ ଯଦି ସତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଭେ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଜୀବନ ଦୁତି, ପଡିବେ ପାଗଳ କୁପେ। ଯାହା ଆଜି ଘଟୁଛି, ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡାକରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ କାହିଁକି, ତାର କାରଣଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନଷ୍ଟ ହେବେନି ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତାର ମା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ଥିବ, ଯୋଉ ଝିଅଟି ତାର ବାପା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ଥିବ। ତା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଫ୍ରଏଡ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ଇଡିପସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ପୁଅର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଝିଅର 5 ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ପିଲାପିଲିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ରହିଛି,
से अनुराग टी से हेरिडिटरी टी से इनहेरिट क्यारेक्टरिस्टा को जब इम्पल्सिव न कर दिया जाए से डल हो जाए तार बुद्धिमता टी आस्ते आस्ते फंपा हो जाए जहाँ श्री श्री ठाकुर से जो इंस्टिंक्ट बेस्ड एजुकेशन रहा कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाल्य जीवन जदि देखा विवेकानंद बाल्य जीवन जदि देखा आइनस्टाइन बाल्य जीवन जदि देखा माइकल फारेड जो विद्युत शक्ति उद्भावक माइकल फारेड बाल्य जीवन जदि देखा सीवी रमण बाल्य जीवन देखा समस्त बाल्य जीवन जदि देखा से सब मातृभक्त थे महात्मा गांधी बाल्य जीवन देखा ये मातृभक्ति पितृभक्ति जोटि जोटि गुरुभक्ति रही आहरी उदंड भाव प्रचंड भाव से मनीष गठन हो जा छत्रपति शिवाजी जीवन में देखा तेणु झकमकी पथर अग्निकाणित लुकायित होगापर मनीष मन भितर तार अनंत ज्ञान रही ज्ञान गुड़ी को जदि आम तार मैनिफेस्ट न करवादी भितर लुकायित प्रतिभा को उन्मेष न करवा ताहा उन्मेष केते बेले हेबो यदि इंपल्स दिया जाए अनुराग रु ता ही परिस्फुटन हुए धर्मपद बाजीरायतंकर वयस केते थिला कि धम्य अरुणी वयस केते थिला कि शंकराचार्य केते वर्ष रही थिले कि कम वयस रे मध्य चाणक्यंकर जो कम वयस रा बालक चाणक्य मां कहउछंती तू राजा हेबु बड़ लोक हेबु तो भाग्य रे अछि ज्योतिष कहउछंती तोर बड़ बड़ दांत दीटा आगु को बाहरी सांगे सांगे चाणक्य जाए तार दिटा दांत को संडुआ से भांगी पकेले ए प्रकार जदि पिता माता गुरु प्रति सश्रद्धा भल थाए ताहला प्रकृत शिक्षा ठाकुर कहते पिता माता गुरुजन प्रति सश्रद्धा सेवा प्रणता ही शिक्षार मूल काठी तेणु शिक्षा को जदि आम आगक ना चाहिए ये कथी पर ही आरंभ होगा हुए कठोर प्रहार द्वारा गद्ध को घोड़े परिणत करार अपचेष्टा आज चली जेने तेने प्रकार रे 24 घंटा पिला को जदि ट्यूशन रे नियोजन करि दबा ताहाले आमटु आमर हेडाक गला पिलाटी जे जे से शिक्षा लाभ करिवो से प्रकार शिक्षा को श्री श्री ठाकुर किंतु वास्तव शिक्षा कहिनाहंती जदि शिक्षा कहिले केते गुडी विषय को जानिबा मात्र बुझाए तबे लाइब्रेरी गुडी को जगतर श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधु विश्वकोश गुडी को परम ऋषि हे जायंते विवेकानंद कहिथिले तेणु शिक्षा टी केतक सूचना लब्ध ज्ञान को नहीं बंचे ना से सूचना लब्ध ज्ञान को जीवन में हजम करिवार कथा टी हेला शिक्षा तेणु लेखा पढ़ा दक्ष हले शिक्षा तक कहे ना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहले शिक्षा हुए ना ये जो सहज ज्ञान ये जो प्राक्टिकाल नलेज व्यवहारिक नलेज जदि नथिबो ताले जेते लेखा पढ़ा पुथिगत ज्ञान हेले मध्य ताहा केवल सर्टिफिकेट टी मनीष पाइब सिना तार जीवन को परिचालित करिबा नाही Literation makes the complexes facilitated, where the education enlightens the being. Hence, it is index of habits and behavior glows on a sonorous rhyme. Sri Sri Thakuranga bhasare. Tenu literation ti jaha amaku complex ku adjust kari pare nahi education kari pare. Oni sara vrutti prabruti ku adjustment kariba ku helle niyantrana kariba ku helle. Ei shikha darkar guru ka indrika shikha darkar. Tenu Sri Sri Thakur. जदि कहते जदि सतरे तुम्हें शिक्षित होगा चाह हात कलम अवलंबन कर ये ठिया हुई उपपत्ति अनुधावन कर देख ज्ञानी बेकूब हेब ना चलार साथी श्री श्री ठाकुर कहले तेणु तुम्हें हात कलम शिखा कथा श्री श्री ठाकुर कहले पोथीगत विद्या नुहे बास्तव कर्म भितर दे शिक्षा श्री श्री ठाकुर कहते ये श्री श्री ठाकुर जो तपोवन विद्यालय परिकल्पना कर से प्रकार परिकल्पना श्री श्री बड़दांकर जीवन को जदि देखिबा हात कलम किपरि भाव से तपोवन विद्यालय पाठ पढ़ुते एक ज्वलंत निर्देशन थिला से बेले श्री श्री ठाकुर कहते तीन चार वर्ष मैट्रिक पास करेवार कथा तेणु गोटे तीन चार वर्ष पिला को लगे मैट्रिक पास कर दस वर्ष बार वर्ष पढ़ाया भी दरकार ना वृक्ष छाय खोलामेला परिवेश इंटीमासी स्नेह श्रद्धार आदर्श प्रति आत्मसमर्पण मानस जो शिक्षा लाभ कराए से प्रकार शिक्षा वास्तव शिक्षा ताहा तपोवन विद्यालय रे श्री श्री ठाकुर ताहा नूतन दिग्दर्शन दे जाइछन्ति श्री श्री ठाकुर कहते जब पिलाटी अमानिया हुए ताले भल दुष्टामी जो पिला करुछि भल किंतु तार दुष्टामी अमानिया गुड़ी जदि आम नियंत्रण न करिबा पर मुहूर्त आहरी उदग्र हो उठब तेणु श्री श्री ठाकुर कहते दुष्टामी हूँ पिलाटी गोटे पिला दुष्टामी हूँ गुल्ली खेले आहरी गुल्ली किणवा को दियो जदि गुल्ली से खेलुची आहरी गुल्ली किणवा को दियो गुल्ली शिखेबा को मध्य दियो मुहे मुहे शिखी से अभ्यास कर दो गणित गुल्ली
शिखु शिखु गुल्ली खेलु खेलु से गणित अभ्यास कर दौ तेणु मनिषर जो झुंक को यदि मारिदबा जो पिलाटी खेलुची तार से खेल झुंक टी न मारिदे तार से झुंक टू किपर नियंत्रण हो पार मोड़ परिवर्तन कर दि जाए पार ता श्री श्री ठाकुर से प्रकार गोटे आत्ममर्यादा बोध पिलाटी जपर नष्ट न हो से विशेष गुरुत्व दौले तेणु श्री श्री ठाकुर बाल्य जीवन रि देखा श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़दांगर जीवन श्री श्री दादा जीवन बर्तमान आचार्य बाल्य जीवन जब देखा तीनो मातृभक्ति पितृभक्ति गुरुभक्ति पर्यवेक्षित था तेणु ये गुरुभक्ति है यार गोटे पोल बोली कह गोटे तार दंड बास्तव मेरु कह समाज जाति को उन्नत पथरे चलिबा को हेले एपरी शिक्षार प्रयोजन क्यों थे प्रत्येक परिवार भीतर ही श्री श्री ठाकुर कहते एक कथा गोटे गवेषणागार कुटीर शिल्प नित्य प्रयोजन पनीपरिया उत्पादन कृषि अन्यास अव्याहत भाव में चल पारे शिक्षा प्रत्येक परिवार स्त्री पुरुष निर्विशेष पिला बेलू ही घरे ही पिला पिली को ऑलराउंड ट्रेनिंग अर्थात सर्वतोमुखी शिक्षा देवा को हुए मूल दुआटा अर्थात चालीचलन अभ्यास व्यवहार बोध श्रद्धा सेवा समाधानी चेष्टा भाविबा अनुजाई करिबा कहिबा अनुसंधिष्ठा इत्यादि जदि घरे पांच रु सात वर्ष मध्य पिला को ठीक कर दिया जाए सेते बेले लेखा पढ़ा कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि से टक टक करी शिखी उठिबो परस्पर आउ समय आ शक्तिर अपव्यय हेबो नाही आमे छोट पिला को टिके बड़ हे गला परे शिक्षार धाराटा को आरंभ करूछे तेणु से ना पाठ पढ़ा रे मन देउची ना से अन्य काम रे मध्य मन देउची तेणु श्री श्री ठाकुर दिने कहते पंचानन भाई हाथ में चेयर टेबुल चेयर बेंच भी पास करती पुणी एक वर्ष से तेणु तीन वर्ष से पिलार मैट्रिक पाठ पढ़ा किपर जदि छोट बयस समस्त गुण गुड़ी गुरी गुरु कैंद्रिक आचार्य कैंद्रिक बा पितृमातृ कैंद्रिक कर पाटी को गठन कर जो सहजात गुण गुड़ी अच्छी चपे न दि जाए ताकु जदि कर्म रे नियोजन करा जाए ताकु गोटे ऑलराउंड डेवलपमेंट कर दिया जाए पर मुहूर्त ये जो पोथीगत ज्ञान मैट्रिक पाठ पढ़ा बार वर्ष पाठ न पढ़ी बा दस वर्ष पाठ न पढ़ी मात्र दुई रु तीन वर्ष पाठ पढ़ी जड़े मैट्रिक पाठ पढ़े पड़े बोली ए प्रकार गोटे नूतन कथा ये जुगरे श्री श्री ठाकुर प्राक्टिकाली देखिए तेनाली छोट बल ठार गोटे छोट पा कन्या टा को किपर भाव में गढ़ी तोल श्री श्री ठाकुर कहते छुण कहूँ भूली जाओ ना छोट बल ठार तुम कन्या को एपरी भाव अभ्यस्त करोल जेपरी से बहुत संपन्न होगा पूर्वे कौन सी पुरुष सम्बन्ध में स्वामी भावन्वित चिंतार चित्त को उद्वेलित न कर न तोले जेपरी सेवा प्राण श्रद्धा चलनशीला सर्वांतकरण वैशिष्ट्य पाली स्नेहपरायणा सतीत्व समृद्धा हो उठे सुनिष्ठ अच्युत अचला हो कन्या हिसाब से शिक्षार मौलिक भीति ही किंतु ये कन्याटार कौन कौन शिक्षा दिया जीवो ता मध्य कैटेगोरिकली श्री श्री ठाकुर कहिले तेणु अन्य आज्ञा तेणु मनीषर वैशिष्ट्य को बंचाई रखी मनीषर वैशिष्ट्य को गृह शिक्षा माध्यम किपरी नष्ट न कर ठीक भाव रखी आचार्य को गुरु केंद्रिक शिक्षा को आपणले प्रकृत शिक्षा ही हे पारिबो सेई कथा आमे भल भाव श्री श्री ठाकुर को धरी जानी पारिले अंतत ए जीवन जय गुरु आसंतु से शिक्षा को आपणे अंतत किछि किछि निज परिवार और परिवेश रे ता संचरण करबा को आगे आसीबा जय गुरु समस्त मोर जय गुरु प्रणाम जय गुरु अजय भाई ठाकुर शिक्षा व्यवस्था संपर्क रे खूब सुंदर भाव आप आलोचना करिसिंदि पुराण पुस्तक अनेक दृष्टांत देई अद्यावधि सांप्रतिक समय जो शिक्षा व्यवस्था ठाकुर तो आज जो बाणी गोटे इंग्रेजी बाणी देखते सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द बिकमिंग ऑफ लाइफ बाय ए ग्रेजुएटेड एक्टिव मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज एजुकेशन कि चमत्कार कथा ये सहजात संस्कार कथा कहुची बाद दे जहाँ कि शिक्षा व्यवस्था करना कहीं ना पिलार मंगल हम ना समाज मंगल हम खूब सुंदर आलोचना करिसिंदे आज परमपिता चरण से आपण सर्वकल्याण सर्वमंगल आईपरि गवेषणात्मक संदर्भ गुड़िक जपरी भाव में परेषण कर चली अब्याहत रहू दीर्घायु सुस्थ जीवन जापन अधिकारी हो प्रार्थना परमपिता चरण।